वट इज आर बिगेस्ट फीयर वन ऑफ आर बिगेस्ट फियर्स टू सी आर पेरेंट्स एज मतलब हमें यकीन नहीं होता ना कि हम जब बड़े हो रहे हैं हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं वो वाली चीज बहुत ही ज्यादा डॉन्टिंग हो सकती है काफी ओवरवेलमिंग हो सकती है और उसी फीलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं इन दिस पोम फ्रॉम चैप्टर वन माई मदर एट सिक्सटी सिक्स बाय कमलास लेट अस सी हाउट गोस पोएट्री है तो पोएट्री की तरह ही इसे रिसाइड करते हैं Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked.

फेस इज एशन मतलब लाइक एश इट सीम्स कि वो डी कलर हो गया है, वो, जो होती है यूथ की, वो कलर वो रंग वो ब्लश उनके चेहरे पे नहीं दिख रहा है, है कि वो एक जिंदा लाश है का मतलब होता है डेड बॉडी एंड देन शी रियलाइज विथ पेन और अचानक और वो जितनी बोडी लग रही है मम्मा उतनी बुढ़ी हो चुकी हैं तो द एक्चुअल होम टाउन टू कोची टू कोची एयरपोर्ट स्पेसिफिकली टू कैच अ प्लेन टू वेयर एवर शी लिवस टू बेसिकली दिस इज अ टाइम वेयर शी इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम अ मदर वो शायद काफी समय बाद मिलने वाली है एंड दिस इज द रियलिटी शी इज अ फ्रेड ऑफ बट सून

बदल रही है और यहाँ पे यंग ट्रीज बोल रहे यूजफुलर बेयरिंग फ्रूट एंड देन शी इज लुकिंग एट मेरी चिल्ड्रनिंग आउट ऑफ देर होम्स एंड शीज लुकिंग एट स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से बच्चों को देख रही है यहाँ वहां भागते हुए अपने घर से निकलते हुए और वो देख के कंपेरिजन दिमाग में बना रही है दैट इज यूथ दिमाग में उनके चल रहे हैं और अचानक से समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता एंड दे रीच द एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एज सुन एज शी इज डन विद्योरिटी चिकन शी अगेन टर्न बैक एंड लुक्स वन फाइनल टाइम At her aging mother. And then all those thoughts of her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that odd, familiar ache. My childhood's fear. But all I said was, See you soon, Amma. All I did was smile, smile. एंड स्माइल और जाते जाते फिर से वही सारी फीलिंग्स वही सारे थॉट्स और वही सारे इमोशंस उसको ओवरकलम करने लगते हैं इनडेट करने लगते हैं एंड जाते जाते ये सारे चाइल्डहुड के फियर्स उसके पास आने लगते हैं और दिमाग में लगता है कि द नेक्स्ट टाइम आई विजिट दिस प्लेस विल माई मदर स्टिल बी देर विल शी स्टिल बी विथ मी इज ओल्ड एज सो क्रूअल दैट आई माइट नॉट बी एबल टू सी माई मदर वंस अगैन ऑल दिस थिंग्स ऑल दीज थॉट्स आर एनक्रोचिंग हर माइंड बट कहने के लिए वो क्या बोलती हैं सी यू अम्मा और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से नॉन वर्बली वो क्या दिखाती हैं, sure और smile, smile, smile को तीन बार हमारे लिटरेरी कि है उसको यूज करते हुए ये बताते हैं कि एक स्म स्माइल ऑफ द गुड मेमोरीज अनदर स्माइल कैन डिपिक्ट द स्माइल ऑफ सोरो स्माइल कैन बी विजिट्स शी विल सी हर अम्मा वंस अगेन विद दैट इट्स अ रैप बट हम जानते हैं थोड़ा सा हमारे पोइट्रिक्स के बारे में और थोड़ा पोएट्री के बारे में द स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑथर हमें पता है पोइटस में पता है कमला दास स्टाइल कैसा था इस पूरी पोम का लिरिकल कन्फेशनल पोएट्री थी फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग मतलब यहाँ पे हमको पूरी जो पोएट्री है वो हमारी ऑथर हमारी पोएट के दृष्टिकोण से दिखाई जा रही तो जा है तो फर्स्ट पर्सन मोनोलॉग दिखाया जा रहा है दूसरा कन्फेशनल पोएट्री है वहां पर अपने थॉट्स हैं इनरमोस्ट फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स के बारे में बात कर रही है हमारी पोएट और इसलिए कन्फेस कर रही है हमसे कुछ

एडवांसिंग एज बढ़ती उम्र के बारे में है एंड द फियर दैट अडियर उसके साथ जो फियर जुड़ा हुआ है ऑफ लॉस एंड सेपरेशन उसके बारे में है इट इज सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग एंड थ्रू द आईज ऑफ द डॉटर एक डॉटर देख रही है कि उनकी मम्मी की उम्र बढ़ती चली जा रही है और वो जो खौफ है वो दिल के अंदर बैठता चला जा रहा है द सीम इंग्लिश शॉर्ट पोम टचेज अपन द थीम ऑफ द फिलियल बॉन्ड फिलियर मतलब फैमिली बच्चों का और पेरेंट्स का जो बॉन्ड होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं अबाउट द मदर एंड डॉटर स्पेसिफिकली इन दिस पोम स्मेयर बैक ड्रॉप ऑफ नोस्टैलजिया एंड फीयर नोस्टेलजिया मतलब पुराने दिनों की यादें और आगे आने वाला जो फियर है अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है उससे रिलेटेड के बारे में थोड़ा जानते हैं नाम तो सुना ही होगा कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरलाज वन ऑफ द मोस्ट रिकोगनाइज प्रोमिनेंट राइटर्स टू कम फ्रॉम द फोल्ड ऑफ इंडियन लिटरेरी रिल्स सॉरी फिर से बोल रहा हूं हर वर्क आर नोन फॉर देर ओरिजिनिटी वर्सिटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द साइल का मतलब यह है कि वो रूटेड रहती हैं अपने सब्जेक्ट्स की एक्चुअल जिंदगी में शी इज नॉट वेरी फिक्शन ड्रिवन वो रियालिटी को अपने पोज में रिफ्लेक्ट करना ज्यादा प्रेफर करती हैं शी हैज पब्लिश मैनी ऑर्थ शी हैज पब्लिश मैनी नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज शी गोज अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी और माधवी कुट्टी इनका पेन नेम है ना कोई को पेन नेम क्या होता है तो कभी कभी या जितनी भी लिटरेरी वर्क्स हैं उनको लिखते हैं तो वो नकली नाम को पेन नेम बोला जाता है सूडोनेम बोला जा सकता है अब यहां पे देखते हैं कोई लिटरे डिवाइस किए गए था उनको डिटेल में सिमिली द कलर ऑफ द मदर्स फेस है ट ऑफ अब्स एक्शन लाइक दैट ऑफ अज किया है कंपेरिजन किया है दस इट्स इमेजरी ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग यहां पर इमेजरी भी देख रहे हैं और एक और चीज है परसोनिफिकेशन भी ट्रीज प्रिंटिंग पेड़ भाग नहीं सकते पर हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करने के लिए इसको ऐसे यूज किया गया इन वर्ड्स को तो इमेजरी के तहत भी आएगा और परसोनिफिकेशन के तहत भी आएगा रेपिटेशन में लुक डॉर स्माइल वर्ड जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहां तो हमें पता है कि यहाँ रेपिटेशन किया गया है कॉन्ट्रास्ट ओल्ड एंड यंग देखा था कि खिड़की के बाहर यंग ट्री स्पेलिंग एंड मेरी चिल्ड्रन वगैरह वगैरह और अंदर मदर का तो भी भी हाँ पे पे किया गया किए गए फटाक से स्कैन करिएट विल री डायरेक्ट यू टू एप स्टोर और प्ले स्टोर जहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम आपसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं चलो टेक्स्ट के बाहर नहीं सही देन यू कैन सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं, नहीं। हम आपकी सुनना चाहते हैं रियल टाइम में प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आर टू अस अभी के लिए इतना ही काफी है ये हमारी पहली पोम थी फ्रॉम आर ट्वेल्थ का इंग्लिश का सिलेबस आई होप यू लाइक डिट कोई भी रिव्यूज वगैरह हो कोई भी क्वेश्चन हो यू नो वॉट टू डू इन द कमेंट सेक्शन बिलो तब तक के लिए बाय बाय आई विल सी यू सूम